सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा हमें कि ये मैंने जो अभी तक जो आपसे बात की वो सॉल्यूशन की ही तो बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशन ठीक है आपका, देखिए जस्ट अ मिनट, अभी मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला सॉल्यूशन ये है, स्टेटाइज थिंग्स एंड टेल की ये हमारी 5 इमीडिएट प्रायोरिटी है, भाजपा आप सत्ता में है, ये आपको करना है, जब तक आप इसे नहीं करेंगे वी विल नॉट बी कोऑपरेटिंग विथ यू। हाउ विल यू कंपेल देम, जो हमने कहा है अभी भी जो है ना, गांव के बहादुर लोग जो जो नेताओं को पसंद नहीं करते हैं, अपने गांव में नहीं घुसने देते हैं। नहीं वो अपने गांव में नहीं घुसने देते हैं, लेकिन ये चुनके तो आ ही जाते हैं ना। अभी आप नहीं, नहीं देखिए तब जो है ना किसी की सोच नहीं थी, यदि आज आपकी सोच है चारों तरफ यदि सोच क्रिएट की जाएगी तो नहीं आएंगे। नंबर वन, अभी नहीं देखिए अभी आज की बात कर रहे हैं ना, अभी अभी नंबर वन। नंबर टू, यू क्रिएट दिस इकोसिस्टम जिसके तहत जो है वेल्थ क्रिएट, आज वो आपको इसलिए मूर्ख बना पा रहे हैं, फ्री भी बांट पा रहे हैं, दारू बांट पा रहे हैं, साड़ी बांट पा रहे हैं, क्योंकि आप पेट से भूखे हैं। यदि आपका मजदूर भी जो है ना 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएगा तो वो कहेगा, एक कहानी है ना बड़ी अच्छी है कि एक नेताजी गए बोले कि मैं खड़ा हुआ हूँ भाई मुझे वोट देना, और ये मैं छोटा सा लिफाफा लाया हूँ आपके लिए। तो उन्होंने पूछा किस लिफाफे में क्या है, तो उन्होंने कहा 1,000 रुपए है। उन्होंने कहा नहीं मुझे 1,000 रुपए नहीं चाहिए, आप तो मुझे एक गधा ले। तो नेताजी ने कहा ठीक बात है मैं गधा लेने जाता हूँ। तो नेताजी बहुत घूमे, उन्हें 20,000 से कम का कोई गधा ही नहीं मिला। तो वो बड़े मायूस होके आए, बोले किसान के पास, बोले भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, मुझे गधा तो 20,000 से ज्यादा मतलब सस्ता मिल नहीं रहा है, तो आप तो ये 1,000 रुपए रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे मूर्ख समझ के रखा है क्या, गधा से भी मैं सस्ता हूँ राइट। तो आज आपको जो है फ्रीबी इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि आपका पेट खाली है, आपको दारू इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि आपका पेट खाली है, आपको साड़ी बांटी जा रही है क्योंकि आपका पेट खाली है, ये सब आपका परिहास है। जैसे ही आप समृद्धि में आएंगे आपका होल पर्सपेक्टिव विल चेंज एंड देन सीएफबी में कैलिब्रेट। जब सीएफबी इतने इकोसिस्टम में इतने महारथियों को खोज के अपने साथ जोड़ने की बात कर रही है तो उन उसको 540 तपस्वी नहीं मिल सकते। और जब सभी लोग क्राइम फ्री भारत को पूरे इकोसिस्टम में जो है ना रंगे होंगे तो क्राइम फ्री भारत से हटके और कोई कैसे जीत सकता है। वो कहते हैं ना कि लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब चारों तरफ लालामी छाई होगी तो उस लालामी से बचा हुआ कोई रह नहीं पाएगा ना। क्योंकि देखिए वी हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन। आप जो है ना एग्रो मॉडल में क्यों गए, आप आयुष मॉडल में क्यों गए, आप ई कॉमर्स मॉडल में क्यों गए, आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों ला रहे हैं, आप पूरा इकोसिस्टम क्यों ला रहे हैं, आप कंज्यूमर की चिंता क्यों पाल रहे हैं, आप जो है ना उनके लिए स्पिरिचुअल योगा मेडिटेशन और हेल्थ की चिंता क्यों पाल रहे हैं, बिकॉज यू फील कि देयर इज ए अब्सेंस, देयर आर गैप्स, और इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जो भी सोच रहा है वो मूर्ख बना के अपनी चीज के लिए सोच रहा है। तो जो कोई लेके भी आ रहा है कोई चीज तो वो मूर्ख बना के लेके आ रहा है। नोबडी इज बिकमिंग योर पार्टनर। अच्छा बताइए कोई बन रहा है क्या, ऐसा कोई पार्टनर आपका बन रहा है कि जो पार्टनर भी बन रहा है कह रहा है सोल्यूशन भी हम डिजाइन करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, एंड वी विल क्रिएट टेक्नोलॉजी, वी विल क्रिएट गैप्स, और वी विल रिमूव ऑल डिस्ट्रक्शन। तो इट इज कॉल्ड द डिसरप्टिव विजन एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। जब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो ऑफसेट टेक्नोलॉजी अपने आप ही जगह छोड़ देती है। दिस इज ए डिसरप्टिव विजन। तो जो ऑब्सोलीट विजन है वो अपने आप जो ना खंडित हो जाएंगे, केवल इस विजन को जमीन पे उतार दीजिए बाकी सब समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर। जी सर, जब इतने सर सिस्टम है ये धार्मिक जो गुलामी आ गई है धार्मिक सर, इसको कैसे दूर, उसको धार्मिक गुलामी मत कहिए, उसको धार्मिक आस्था कहिए। उसी आस्था के कारण हम खाली पेट भी जो है ना जिंदा रह पाते हैं। यदि उस आस्था को भी छड़ा लेंगे हमसे
तो हमारे पास जीने का सहारा छूट जाएगा, भूख में जो ना पेट खाली पड़ा हुआ है, हम कहते हैं कि पुराने पुराने जन्म का कुछ पाप होगा तो हम उसी से कुछ थोड़ा सा ढाढ़स ले लेते हैं, ये तो वैसे ही हो जाएगा कि जो है ना एक व्यक्ति था वो जो है इसको ठंडे पानी में खड़ा करने के लिए कहा गया, बस जो है ना ठंडा समय था तो राजा ने वो तो जिंदा बच गया, राजा ने सोचा तो मर जाएगा, उससे पूछा तो साला जिंदा कैसे रह गया, बोले हुजूर वो आपका जो दीपक जल रहा था उसको देखता रहा मैं। तो उसने कहा अरे साले तूने तूने जो है ना साला हमारे दीपक को देख के साला एनर्जी पाली है, सो यदि उसको जो दूर से दीपक से कुछ एनर्जी मिल रही है आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए, उससे आपको क्या तकलीफ है, नहीं आपको कोई तकलीफ है उससे। हमें अपने आप को वैदिक नॉलेज सनातन ज्ञान जो कि शुद्ध साइंस है, इसको आप धर्म मत कहिए, देखिए हर कोई नॉलेज जो है, ये बताइए एवोगाड्रो को जो नंबर कहां से आया, कहां से आया एवोगाड्रो के पास नंबर, इट इज ए साइंटिफिक मेडिटेशन जो ऋषियों ने किया वही उन्होंने किया। जब आप मेडिटेट करेंगे तो कॉस्मिक ज्ञान आपके पास आता है। जैसे मैं जो मेरा कहना है कि जो भी मैं कह रहा हूं इट इज नॉट मी, सम कॉस्मिक फोर्सेस आर फोर्सिंग मी टू डू समथिंग, मेरे को जो समस्या आती है मैं वो कॉस्मोस को हैंड ओवर कर देता हूँ, कुछ ना कुछ फाइनल कंट्रोल बन के आ जाते हैं। आपको मेरी बात में कहीं कोई वाइब्रेशन महसूस हो रहा है क्या, कोई कंपन, कोई कंफ्यूजन, नहीं नहीं आर यू फीलिंग एनी वो, नहीं नहीं बिल्कुल क्लियर है, मतलब आपको कहीं कंफ्यूजन समझ में आ रहा है क्या, आपके समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, आपको क्वेश्चन लगेगा कैसे होगा, लेकिन आप मेरे द वे आई एम नरेटिंग, आपका जो नैरेटिव है आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हो ना कि हम असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन चलाएंगे, या जब अभी आपके अभी आपके हाथ में है क्या, आई एम नॉट सेइंग कि मैं चलाऊंगा, आई एम सेइंग पब्लिक चला, वही पॉइंट है कि अभी जो है नैरेटिव जो सेट है जनता के पास, अभी देखो जब तक कि जनता के पास कोई अल्टरनेट नहीं होगा, मान लीजिए हम इस गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छे इसको वोट दे, मानेगी नहीं, अभी किसान जो है हम तो ये कहते हैं कर रहे हैं, ये हमारा ये कहना है कि अभी तो साहब आप उनसे कहोगे तुम करोगे नहीं तो तुमको वोट नहीं देंगे, ठीक है ना, फिर वेट करो सीएफबी विल सी दैट कि हो सकता है कि यही लोग अच्छा काम कर रहे तो हम अपना क्यों खोपड़ी खराब करें। आपको लगता है अच्छा काम करेंगे, यदि नहीं करेंगे तो सीएफबी को कौन रोक रहा है, सीएफबी अपनी पार्टी डाल दे क्या दिक्कत है उसको, जब वो इतने सारे कष्ट उठाने के लिए तैयार है तो एक कष्ट और उठा ले क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या, नहीं वो दिक्कत तो नहीं है लेकिन तो आपको क्या लगता लेकिन है, लेकिन सवाल ये है कि आप फिर नए नेता को नहीं लाएंगे, आपको आपके ऊपर एक प्रतिबंध रखना पड़ेगा क्राइम फ्री भारत को कि हम सिर्फ तपस्वियों को लाएंगे जिनका जिंदगी तपस्या रही, तो जिसने एग्रीकल्चर फील्ड में तपस्या की है वो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनेगा, जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम किया है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बनेगा, जिसने सोशल फील्ड में काम किया है वो सोशल फील्ड का जो है ना मिनिस्टर बनेगा, और उसको जो है ना सिलेक्शन के पहले ये वाला अदरवाइज जो है आपसे लोग जो है ना सत्ता पाना चाहेंगे वो आपसे जुड़ जाएंगे। नहीं आप ये वाला पॉइंट ठीक है आपका कि अब इस पे सोचिए इसको डेवलप कीजिए, मेरा ये कहना है कि अभी एनर्जी इसमें ना लगाई जाए, अभी तो लोग अभी तो जो डिफरेंट मॉडल से लोगों की जिंदगी में लगाओ एनर्जी, जब आप जिंदगी बदलेंगे तो इतने सारे आपके पार्टनर बनेंगे वहां आपको तपस्वी खुद ही दिख जाएंगे, और तपस्वी आपके पास ना आए आप उनके पास जाइए कि आपने जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे प्रतिनिधि बने, आप चलिए आप अच्छे व्यक्ति को क्यों चाहते हैं कि वो आपके पास आए टिकट मांग, यदि आप जो है पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, हर किसी के पास जा रहे हैं, उससे ज्वाइंट वेंचर करना चाहते हैं, यू वांट टू जो है ना क्रिएट टेक्नोलॉजी, यू वांट टू क्रिएट जो है ना एवरीथिंग एंड यू वांट टू डिवाइस सॉल्यूशन एंड यू आर नॉट गवर्न बाय द प्रेजेंट हैंडीकैप ऑफ द वेदर द थिंकिंग वेदर द टेक्नोलॉजी वेदर एनीथिंग,
जब आप पूरा इकोसिस्टम डिजाइन करने की सामर्थ्य रख रहे हैं, सोच रख रहे हैं, वेज है, हमारी टेक्नोलॉजी टीम दे आर ऑलरेडी वर्किंग, आई हैव ऑलरेडी गिवन देम माय मैंडेट टू थिंक ऑन इट एंड वी हैव टू डिवाइस सॉल्यूशन. आई एम जो है वर्किंग विद द 53 यूनिवर्सिटीज, मैं उनको मेजर माइनर पर 12 हमने जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकाथन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए. आई एम द प्रोजेक्ट लीडर ऑफ 2 नेशनल मिशन, नेशनल पुलिस मिशन. तो ये हवा हवाई चीजें नहीं है भाई साहब, ये नेतागिरी की चीजें भी नहीं है. इसलिए आई एम सेइंग कि नेतागिरी को अभी दूसरे लोगों को कहिए करने के लिए, अभी बायकॉट करने के लिए कहिए, अभी अपन सामने बताओ, अभी अपन तो इसमें फोकस करें कि कैन वी मेक अ डिफरेंस इन दिस अप टू 2024 टू द लाइफ ऑफ द एवरीवन इन होल इकोसिस्टम. जब आप उनकी जिंदगी में परिवर्तन ला दोगे तो आप उनके लिए मसीहा बन जाएंगे, और जिन लोगों ने उनके जिंदगी में परिवर्तन लाया होगा उन्हीं मनुष्यों को पकड़ के आप जो है ना खड़ा कर दीजिए. बिल्कुल सही कहा सर आपने, के पी एस गिल का नाम सर सुना होगा आपने अपने समय. हमारे हमारे कलीग्स रहे हैं, हमारे जो है ना आईपीएस ऑफिसर थे, हमने क्यों नहीं सुनेंगे उनका नाम. डीजीपी थे ना सर पंजाब. हाँ पंजाब के डीजीपी थे, वो सीआरपीएफ के डीजीपी भी थे. अब ऐसे लोगों के ऊपर भी ऐसे लोगों के ऊपर भी एक के आईएएस महिला ने जो है केस दर्ज कराया था आपने सुना. देखो दो चीजें हैं, नंबर वन कि हमें मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए, दूसरी बात है कि जो दुष्ट लोग हैं वो ऐसी पर्सनालिटीज को घेरने के लिए षड्यंत्र भी रच सकते हैं. क्योंकि उस समय हर कोई व्यक्ति उनके सामने बौना हो गया था तो सब लोग सब बौने लोग मिलकर उनको बौना कर दिए. एकदम सही कहा है आपने पॉइंट. तो साहू जी जी, ये जो मैं बात कह रहा हूं इसको दो भागों में बांटी. एक भाग है जो दूसरों से कहने का है, वो किसका है कि आप पब्लिक से कहो कि भाई बायकॉट करो, राइट. वो करे तो अच्छी बात है, ना करे तो उनकी मर्जी, ठीक है ना. जी, हम अपनी पूरी एनर्जी इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने की उसमें लाएं. यदि हम अपने एग्रीकल्चर लेबरर से लेके टेक्नोलॉजी को लाके, यदि जो है ना इंटीग्रेटेड हम फार्मिंग लाके, यदि हम जो है ना केमिकल फ्री एग्रीकल्चर लाके आते हैं, हम जो है ना चीजों को कैंसर फ्री बना सकते हैं, यदि हम जो है ना अपने प्रोडक्शन को, अपनी मिट्टी को जो है ना 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में पुनः जो है ना जीवित करके अपने प्रोडक्शन को जो आज हम ले रहे हैं उससे सवाया और डेवड़ा कर सकते हैं, और फिर मल्टीपल लेयर में प्रोडक्शन करके वी कैन, द स्काई इज द लिमिट ऑफ आवर प्रोडक्शन. और उसको जो है ना पर हम रॉ मटेरियल की बजाय हम उसको प्रोसेस करें, एंड प्रोसेस चीजें ही हम देश में भी बेचें और बाहर भी बेचें. लेट द एम्प्लॉयमेंट शुड बी क्रिएटेड इन द रूरल एरिया नॉट इन अर्बन एरिया. लेट देयर बी रिवर्स फ्लो फ्रॉम अर्बन एरिया टू द रूरल एरिया. लेट लेट जो है ना हमारे लोग जो है ना यहाँ आके रोजगार के चक्कर में आके स्लम में रह रहे हैं, नारकी जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जिए वो. नंबर वन, यदि वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं तो why they should not live a quality life. आपने ज्यादा पैसे कमा लिए तो आप भगवान बन गए उनके लिए. अरे भाई सबके शरीर में वही खून बह रहा है, सभी वो उसी से बने हैं, सभी के शरीर में वही आत्मा है, सबकी अपनी जर्नी है. लेट्स जो है ना गिव द स्पेस फॉर ईच आत्मा टू डू हिज स्पिरिचुअल जर्नी. हम में से कोई भी यहां धन कमाने के लिए नहीं आया, और धन जो आप कमा रहे हैं वो आपके साथ जाएगा भी नहीं. यही कारण है कि कन्वेंशन ग्राउंड में आपके जो है ना हाथ का एक धागा भी काट लिया जाता है, जस्ट टू कन्वे कि जैसे आए थे वैसे जाओगे, नॉट इवन ए धागा भी वो भी. तो ये जो हम दूसरों के लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं ये हमारी मूर्खता है. हमारे जो है ना शास्त्रों में ऑलरेडी कहा है कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए. तो हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, साधु की व्यवस्थाएं पूरी हो जाए, और हमें सुकून रहे, ये मंत्र हम कहीं भूल जा रहे हैं. हम जो अकूत संपत्ति कमा रहे हैं क्या उसे खाएंगे. जो अकूत संपत्ति कमा रहा है उसकी चूंकि सोच दूषित हो गई है, वो हजारों बीमारियों से घिर गया है, और हमारे दुष्ट डॉक्टर उनकी खूब मदद कर रहे हैं, तो उन्हें लाइफ टाइम दवाइयां खिला के उन्हें भी दवाओं का जो है ना वो कर रहे हैं, तो उनको फिर हायर जो है ना डिसीजन होना ही होना है
क्योंकि जो जो केमिकल मॉलिक्यूल आप खा रहे हैं उसके साइड इफेक्ट होने ही होना है। तो आपको फिर जो है ना, आपका लीवर फेल करना ही करना है, आपकी किडनी फेल करना ही करना है, बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉइंग, क्योंकि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट होगा। मेरी बात बिल्कुल कुछ सही आपको सर। कुछ जम रही है या नहीं नहीं सर, हाजमोला सर कहने की जम जरूरत पड़ रही जम तो रही है, और इसके ऊपर फिर आगे चर्चा करेंगे। आज तो काफी चर्चा हुई है मेरा ये और इस कहना है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो कुछ पच रही है या हाजमोला चाहिए? नहीं, नहीं पच नहीं रही है, सर, पूरी पच रही है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में नहीं आया, और लेकिन अभी इस पे और चर्चा करेंगे सर। चर्चा की बजाय डरने के ऊपर आइए। जैसे अज्यूम करिए कि जो टेक्नोलॉजी डिवाइजन में है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में है, तो खोजो उन लोगों को, क्योंकि उन सबसे ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा। यदि और कुछ नहीं बन बिल्कुल। सकते हैं तो सीएफबी के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बनिए, राइट, एंड 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 डू इट। ये भाषण ज्ञान नहीं देना है किसी को। इट इज ए डिसरप्टिव विजन एंड डिसरप्टिव थिंकिंग, जो चीजों को प्रोडक्ट और सर्विसेज में लाके उसके एक्सपीरियंस को बदलेगी। मोबाइल आपको भाषण नहीं देता, वो उसने आपके एक्सपीरियंस को बदल दिया है। पहले आप जो ना बड़े बड़े कैमरे वैमरे लेके चलते, वो सब कैमरे गायब हो गए थे, कैलकुलेटर सब गायब हो गए, सब चीज गायब हो गई है। एक एक मोबाइल ने सब गायब कर दिया है, और जो चीज अभी गायब नहीं हुई है वो आगे चल के और गायब होने वाली है। उसने टेलीविजन को भी गायब कर दिया है। नाउ एवरीथिंग यू कैन सी थ्रू योर मोबाइल। तो इट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू मेक द मेनी थिंग्स रिडंडेंट। तो दूसरे की लाइन छोटी करने की बजाय, दूसरे की चीजों पे एनर्जी देने की बजाय, वो दूसरों की चीजों को अपन बहुत स्मार्टली जस्ट कहें और वहां से भाग लें। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव चीजों पे एनर्जी देंगे तो आप अपना कद छोटा करेंगे, आपकी एनर्जी जाया होगी। यदि आप जो थोड़ी सी नेगेटिव चीजों की बात कर रहे हैं, उसका मकसद होना चाहिए टू इग्नाइट एनर्जी, आपके अंदर जज्बा पैदा करने के लिए, सिंपली दैट इज द पर्पज। आपने वो एक नाई की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी? अटल बिहारी वाजपेयी का एक जो